Good morning students, we'll start with topic स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी की यहाँ पे ये देखिए पिक्चर दी गई है 1.4 में, ये स्वामी विवेकानंद हैं। आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे कि वो कैसे रिफॉर्मर थे एंड उन्होंने क्या अपना योगदान दिया था उनकी हिस्ट्री में। सो विल स्टडी अबाउट स्वामी विवेकानंद, अ बंगाली ग्रेजुएट named Narendranath Dutt, 1863-1902 came into contact with Ramakrishna Paramhans, who reciprocated his quest for knowledge. अब ये जो स्वामी विवेकानंद है, इनका रियल नेम है नरेंद्रनाथ दत्त एंड उनका जो बॉर्न ईयर है 1863 है एंड जो डेथ ईयर है 1902 है। ये रामकृष्ण परमहंस के कांटेक्ट में आए थे जिनसे इन्होंने अपनी नॉलेज वगैरह लिए थे। हमने लास्ट लेक्चर में रामकृष्ण परमहंस में रीड किया था कि स्वामी विवेकानंद भी उनके कांटेक्ट में थे एंड उन्होंने उनसे गाइडेंस एंड टीचिंग्स लिए थे। नरेंद्र बिकम अ डिसिप्लिन ऑफ रामकृष्णा एंड बिकेम एन एस्थेटिक सन्यासी लेटर acquiring the name स्वामी विवेकानंद। अब ये जो स्वामी विवेकानंद हैं जिनका नाम नरेंद्र है, उन्होंने रामकृष्ण से, जैसे कि हमने पढ़ा कि गाइडेंस एंड टीचिंग्स लिया था, तो उनके कांटेक्ट में आने के बाद वो भी सन्यासी बन गए थे उनकी टीचिंग एंड प्रीचिंग से एंड उनका नाम फिर पड़ गया स्वामी विवेकानंद। ही डिड एन इंटेंसिव स्टडी ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसॉफी। नाउ ये जो स्वामी विवेकानंद हैं, उन्होंने जो स्टडी की थी इंडियन जो है एंड वेस्टर्न फिलोसॉफी के बारे में, एकदम डीप इंटेंसिव स्टडी उन्होंने किया था। स्वामी विवेकानंद एडवाइस पीपल टू सर्व द पुअर एंड लुक फॉर गॉड इन नीडी पीपल। अब स्वामी विवेकानंद का ये कहना है, लोगों को ये एडवाइस देते थे, ये सलाह देते थे कि जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाए एंड हर एक जो ज़रूरतमंद पर्सन है उसमें भगवान दिखना, उनको ऐसे उनको वो टीच करते थे कि जो भगवान है, जो नीडी पर्सन है उसमें भगवान छुपे हुए हैं, उनका ये कहना था। ही एम्बिड प्राइड फॉर अवर रिच कल्चर हेरिटेज एंड फेथ इन ब्राइट फ्यूचर इन द इंडियन यंगस्टर। उनका जो ये था विश्वास था, ये था कि जो हमारा रिच कल्चर हेरिटेज है एंड जो ब्राइट फ्यूचर है वो कौन है, हमारे इंडियन यंगस्टर है। ही अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ द रिलीजन्स इन द शिकागो इन द यूनाइटेड स्टेट इन द ईयर 1893 विथ हिज इन्फ्लुएंशियल स्पीच। उन्होंने एक पार्लियामेंट सेशन अटेंड किया था जो बेस था पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, शिकागो में हुआ था यूनाइटेड स्टेट में ईयर 1893 में एंड उन्होंने वहाँ पे एक इन्फ्लुएंसिव स्पीच भी दिया था एंड ही प्रोवाइडेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंडियन फिलोसॉफी एंड कल्चर। उनका जो स्पीच था वो बेस था किस पे, जो हमारी इंडियन फिलोसॉफी है एंड कल्चर पे उन्होंने वहाँ पे वो स्पीच दिया था उस पार्लियामेंट सेशन में। ही प्रोपोगेटेड द इंडियन कल्चर बाय टूरिंग वेरियस कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट, यूरोप, इजिप्ट, चाइना, जापान एक्सेट्रा। उन्होंने जो है इंडियन कल्चर के बारे में सबको जानकारी दी, अलग अलग कंट्रीज में वो गए, वहाँ पे घूमे एंड ही प्रोपोगेटेड द इंडियन कल्चर इन वेरियस कंट्रीज। ही वॉज एन ardent supporter of the Indian culture and dovish nationalist। ये जो है strong supporter थे Indian culture के and एक devout थे nationalist, जिन जो Indian culture and nationalism को follow करते थे। He gave the legendary slogan to the Indians that arise, awake, stop not Still the goal is achieved। उन्होंने एक लेजेंडरी स्लोगन भी दिया था इंडियंस को,
अराइज अवेक, उठो जागो, तब तक मेहनत करो जब तक तुम्हारा मकसद जो है हासिल नहीं होता है। हर एक पर्सन को जैसे अपने लाइफ में एक एम होता है, उसको रिसीव करना चाहिए, तब तक उसका उसके पीछे पड़ना चाहिए जब तक वो हम पूरा नहीं करते। स्वामी विवेकानंद एस्टेब्लिश द राम कृष्ण मिशन इन कोलकाता इन द ईयर 1897 सेंचुरी इन द नेम ऑफ हिज गुरु। उन्होंने एक रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लिश किया था कोलकाता में ईयर 1897 सेंचुरी में उनके गुरु के नाम से, एंड इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स एट बेलूर। दिस मिशन एडोप्टेड द आइडियल्स ऑफ सर्विस टू मैनकाइंड थ्रू वेरियस वर्क। ये मिशन जो है लिया गया था कि लोगों में जो है मैनकाइंड की जो भावना है वो दी जाए एंड अलग अलग काम से अलग अलग वर्क्स करके। द मिशन फॉलोड द स्लोगन सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड बाय गेनिंग मोटिवेशन फ्रॉम द लाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण की लाइफ को देख के उनको ये मोटिवेशन मिला एंड ये मिशन का मकसद ही ये था कि लोगों को हेल्प करें, एंड हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं दैट इज़ हम भगवान की हेल्प कर रहे हैं। उनका यही एक मोटिवेशन था, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। हम किसी पर्सन की मदद कर रहे हैं दैट मीन्स हम गॉड की मदद कर रहे हैं। दिस मिशन ओपन्ड स्कूल अक्रॉस द नेशन फॉर इम्पार्टिंग एडुकेशन। फिर इस मिशन का ये भी आया कि उन्होंने जो है स्कूल्स ओपन किए नेशन में एडुकेशन देने के लिए। हॉस्पिटल्स वर रन बाय द मिशन टू हेल्प द पीपल इन नीडी। हॉस्पिटल्स भी ओपन किए गए जो पर्सन जिनको हेल्प चाहिए थी उनके लिए, नीडी पर्सन के लिए हॉस्पिटल्स भी चलाए गए। इवन टुडे द ब्रांचेस ऑफ मिशंस आर फंक्शनल इन इंडिया एंड अब्रॉड। इवन आज भी जो उनके ब्रांचेस हैं वो इंडिया में एंड अब्रॉड में अवेलेबल हैं। Thank you students, we'll continue in the next class.